गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग फेस बॉडी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आप इसे अपने बॉडी पर भी लगा सकते हैं। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ना ही सिर्फ रिंकल और फाइन लाइन को हटाएगी, बल्कि एक बहुत ही अच्छा ग्लो देगी, हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेना है आपको खीरा, जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं, और एक छोटा सा आलू। ठीक है, इन दोनों की हमें निकालनी है जूस। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें, उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मैंने दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अब मैं इनका जूस निकाल लूँगी। ठीक है, क्योंकि जो ककड़ी है ना, वो गर्मियों के लिए एक अमेजिंग चीज़ है। उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, जैसे हमारा जो शरीर है वो गर्मियों में डिहाइड्रेट हो जाता है, उसी तरह ही हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती है। और जब हमारी स्किन डिहाइड्रेट होती है तो हमारी स्किन पतली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, उस पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो जितना हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है, उतना ही हमारे बॉडी को, हमारे चेहरे को ऊपर से लगाने की भी पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लेंगे। मैंने दोनों की जूस बहुत ही अच्छी तरह से निकाल ली है, काफ़ी मात्रा में जूस है, क्योंकि इसे हमें दो तरीक़ों से यूज़ करना है। ठीक है, जूस को इसलिए आधी ककड़ी लें और एक छोटा आलू लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर से बच गया है, पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से फेस वॉश कर लें, उसके बाद इससे सिर्फ 1 से 2 मिनट इस तरह से मसाज करें। इससे क्या होगा, डेड स्किन पूरी हट जाएगी। ठीक है, उसे वैसे भी हमें वेस्ट करना है तो हम उसे फेंकें क्यों, तो इस तरह से अच्छी तरह से हो सके तो थोड़ा सा 2 मिनट मसाज कर लें, उसके बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। अब हम बनाएंगे पैक। ठीक है, पैक बनाने के लिए मैंने जो जूस निकाली थी उसे रखा है साइड में, और हम यहाँ पर लेंगे मुल्तानी मिट्टी। इसे मैंने घर में ही ग्राइंड किया है, मेरे पास इस तरह खड़े है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी सदियों से यूज़ की जाती है, पोर्स को टाइट करती है, क्लीन करती है, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाती है, गर्मियों के लिए वरदान है। आप अपने हिसाब से लेंगे मुल्तानी मिट्टी, पर एक बात का ध्यान रखिए, मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन को और ज़्यादा ड्राई करती है। तो प्लीज़ कुछ भी उठाकर मत लगाइए, आपके अपने स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए। जो भी चाहे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब जिनकी स्किन यहाँ पर ड्राई है, वो डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो होता है अमेजिंग होता है हमारे चेहरे के लिए, डेड स्किन को निकालने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। अगर ड्राई स्किन है तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालें, और 1/2 चम्मच डालें एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर ममा अर्थ की एलोवेरा जेल ऐड की है। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी 1/2 से 1 चम्मच डालेंगे एलोवेरा जेल, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले, और उसके बाद इस जो हमने जूस निकाली थी इससे एक स्मूथ पेस्ट हमें बनानी है। ठीक है, अगर ओवर ऑयली स्किन है, मतलब बिल्कुल ऑयल आपको निकलता है, तो आप चाहें तो सिर्फ इस पानी से भी मुल्तानी मिट्टी को बना सकते हैं, पर एलोवेरा जेल वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, थोड़ा सा डाल दें। ये जो मास्क है ना, ये हाइड्रेट करेगा हमारी स्किन को, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड की है। अब क्या करें, मास्क बनाने के बाद आप इसे 10 मिनट तक छोड़ दें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी फूलती है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से अपने पूरे चेहरे पर एक अच्छी लेयर लगा लें। ठीक है, एक्स्ट्रा है तो आप अपने हाथों पैरों पर भी इसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब मुल्तानी मिट्टी को कभी भी आपको पूरा सुखाना नहीं है। ठीक है, जब आधा सूख जाए उसके बाद आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है, अमेजिंग ग्लो मिलेगा। वीक में 3 बार लगा सकते हैं। अब बाकी का जो जूस बच गया था, मैंने क्या किया था, उसमें से बना ली थी बर्फ़। बर्फ़ जो है वो अगर आप गर्मियों में लगाते हैं ना अपने चेहरे को, तो ये न ही सिर्फ पोर्स को टाइट करती है, बल्कि एक रिफ्रेशिंग बिल्कुल ताजगी मिलती है। इसे क्या करें, किसी साफ बिल्कुल रूमाल में बांधें अपने चेहरे पर, और ख़ास करके आँखों के आसपास मसाज करें। आँखों के आसपास अगर आप इसे इसकी मसाज करेंगे ना, तो आपके आँखों के यहाँ के रिंकल्स, जो डार्क सर्कल्स है वो, उसके साथ साथ पफ़ी आइज है वो, सब सब में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है,
इसे आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करके देखें, आंखों में एक ठंडक मिलेगी, एक ताजगी मिलेगी। पूरे चेहरे पर भी मसाज करें, पर खास करके आंखों पर ज़रूर करें। पहले अच्छी तरह से पैक लगाकर वॉश करें, उसके बाद इससे मसाज करें, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।